सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। जस्ट अभी नहाई हूँ 3 दिन बाद। जब मैं वाटर पार्क से लास्ट आई थी तब से मैं नहाई नहीं थी और मैं आज नहाई हूँ। और गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे शैम्पू भी जो है वो मिठू लेडी के घर रह गए हैं, उनके ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा। तो आज मैं शाम को जाऊंगी अपने शैम्पू लेने मिठू दीदी के पास। मतलब यार, कितनी अच्छी बात है, मेरे शैम्पू रह गए, मुझे फिर से उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो अब मैं जा रही हूँ शाम को। और गाइज, मैं जाने वाली हूँ आज शाम को, पुनीत और मैं जाने वाले हैं मिठू दीदी के घर। तो गाइज, मैंने आज सोचा, आप लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं पुनीत के साथ कुछ प्रैंक करो या कुछ चैलेंज करो, कुछ तो करो। बट यार, कोई प्रैंक तो मैं उसके साथ करी, मैं तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या प्रैंक करूँ उसके साथ। तो गाइज, वैसे मैंने आज सोचा कि मैं उसके साथ एक चैलेंज करने वाली हूँ, फिर मैं देखूंगी वो चैलेंज एक्सेप्ट हो पाता है या नहीं। तो आज मैं करने वाली हूँ चैलेंज। तू बर्तन दो, वो कपड़े कौन पहले धोएगा? तो गाइस, चैलेंज आज का ये है कि मैं उसे इग्नोर करने वाली हूँ। जितने टाइम भी हम दोनों साथ रहेंगे, मैं जो भी करूँगी उसको पूछूंगी भी नहीं, और फिर वो किलस जाता है बहुत जल्दी अगर ऐसा कुछ करूँ मैं। तो फिर अब मैं जाऊँगी उसके साथ और वो और मैं ही जा रहे हैं, तो वो किसी बात करेगा, मुझसे ही करेगा। बट मैं उसे हर चीज़ में हर टाइम पर इग्नोर करने वाली हूँ। तो देखते हैं उसका सबर का बांध कब तक टूटेगा, कब तक वो मेरे पे भड़केगा। पूरा व्लॉग बाकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और शाम को जाएंगे भी मिट्टू दीदी से मिले, तो वहाँ पर भी आपको लेके चलूँगी साथ में। और गाइज, मैं अपने हर व्लॉग में अभी स्टार्टिंग में पुनीत के चैनल का लिंक जो उसने बनाया है उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जाके पुनीत के चैनल को भी सपोर्ट करना, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे व्लॉग हम दो। हाँ, तो गाइज, अभी थोड़ी बहुत देर में पुनीत आ जाएगा, क्योंकि सुबह मम्मी ने उसे फ़ोन कर दिया था, क्योंकि मम्मी को भी उसका कुछ काम था और हमें भी जाना ही था। तो सुबह तो मैंने उसे बोल दिया पुनीत टूर में चल रहे घूम लो, और फिर पूरे रास्ते में उसे इग्नोर करूँगी तो उसे कैसा फील होगा, वही चीज़ मैं व्लॉग में शूट करके आप लोगों को दिखा। ये लगा देना जरा चार्जिंग पे और हट जाओ ना रास्ते में, क्या ये ब्लॉगिंग हो रही है गाइस। सामान उधर उधर लोड करना है मुझे गाइस। और प्रेरणा भी जा रही है अभी फ्लैट पे, फिर ये कल आएगी। बट हाँ, ये जा रही है अभी। हाँ, बट अब के बट क्या अभी जा रही है ये। आप लोग फटाफट से वीडियो में आगे बने रहना और लाइक कर देना फटाफट से, और फिर आगे देखते हैं पुनीत आ जाए बस, फिर उसके बाद में ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। और फिर यू परसों आ जाएगी। हम भी खाएंगे। बाय सिस्टर, बाय। आप देख सकते हो कि प्रेरणा जा चुकी है और अब अंशु है घर पे, बस मैं हूँ, मम्मी है और बस नोना है गाइस, और कोई नहीं है हमारे घर पे। नोना सो रही है, मैं खाना खाऊंगी, मम्मी ये रही गाइस, मम्मी ये रही। बाकी यार, हम लोग बहुत बोर हो रहे हैं क्योंकि हमारे घर पे बस हम तीन लोग ही हैं, अंशु मैं और मम्मी, और नोना तो अभी सो रहा है हमारा, और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। खाना खाने का टाइम। मम्मी ने आज गाइस बनाया बैगन का, मम्मी ने आज बनाया बैगन का भरता, पता नहीं कौन मेरे, मैं भी तो खाऊंगा, अपना डालना वो अलग। गाइस, मैं ही हूँ घर पे अकेले, पता नहीं कौन मेरा खाना छीन रहा है, और मैं यहाँ खा के बताती हूँ आपको कैसा बना है। अरे, खा के बताऊंगा अभी। मम्मी कौन है बाहर से कोई बंदा आके मैं फोन छीन रहा, मैं फोन देख। तू कर क्या रही है, पागल पागल हो गई क्या? मैं व्लॉग बना रही हूं, देख। मैं भी बना रहा हूं, देख। हेलो गाइस, चाय पी लो। तो प्लेट तो स्टील की है, तेरी का मेरा खाना है। तो खाना आज ये बात हो गई, ले अपना खा यार। हाँ, ठीक है, दे मेरा फोन भी दे। देना तेरे कहने से नहीं खाऊंगा, तू ही खा रहा, मुझे नहीं। हाँ, मेरे को दे, मेरा फोन दे। अब ले चल। पता नहीं यार कौन लोग है ना ऐसे। मम्मी मेरे दूसरा खाना डाल लो, मैं भी खा दूसरा भी खा जाऊंगा। बाकी गाइस, अभी हम लोग हैं, तो मम्मी हम लोगों के लिए शेक बनाएंगी अभी, मेरे और अंशु के लिए हम लोग शेक पियेंगे और मैं भी पीऊंगा। गाइस, ये रहा मेरा भाई, हाय ब्रदर। गाइस, मम्मी अभी शेक बनाएंगी, तो कर क्या यार, मेरे को भी तो ले। तो गाइस, मम्मी अभी शेक बनाएंगी तो अंशु और मैं शेक पियेंगे। मम्मी शेक बना रहे हो ना? हां, हमारे लिए, मेरे और अंशु के लिए दो ग्लास बनेंगे शेक में गाइस। ओके गाइस, तो आपसे मिलते हैं शेक के साथ, ठीक है गाइस, चलो चलते हैं। चलो। और चलते हैं अंशु के साथ स्कूटी धोएंगे, अंशु स्कूटी धो रहा है क्योंकि मम्मी आप फटाफट से शेक बना दो अंशु और मेरे लिए। देखो, अंशु स्कूटी धो रहा है और ये स्कूटी धोने के लिए ना, और ये क्या लेके आया भाई? ये ढंग से लगाना पड़ेगा बस। भाई ये क्या है? टपटपा भाई, टपटपा है भाई, बताना ये क्या है? दिखा दे टपटपा भाई, क्या है ये? इग्नोर क्यों कर दिया भाई? जाओ अपनी ओर, कर दे रहे क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं मम्मी, क्या हो गया?
अरे मेरा काम कर दो यार, अब क्या हो रहा है, स्कूटी घूम रही है, सारे ऐसे देख रहे हो, कोई दुल्हन ना, सारे कौन, अंशु मैं और आप ही तो हैं, और कौन है? दुल्हन ना दियो कोई, पुलिस नहीं दिख रही मुझे, हैं कहाँ है? और गाइस ये देखो हमारी गली, चलो गाइस अंदर, सीधा समझ आ गया मुझे कि वो तुझे इग्नोर मार रही है, पर तुझे समझ नहीं आ रहा, चल अंदर आ जा, हट मम्मी, हटो रास्ते से, हट जाओ मम्मी। गाइस मैं दूसरे गेट से चली जाती हूँ, अपने हमारे घर में दूसरा गेट भी है। रेडी, और अब हम मैं जा रही हूँ मिट्टू दीदी के घर, और वैसे तो मैं अकेले जाने वाली थी और अभी भी मैं अकेले जा रही हूँ वैसे भी, तो अब चलते हैं मिट्टू दीदी के घर, फिर आप लोगों से मिलेंगे, तो चलते हैं फटाफट से। लोकेशन एंड हो रही थी, मैं वहाँ तक तो आ गई हूँ, तू मैं नहीं आया तेरे साथ, मैं मतलब यार इतना थक गई ना बैठे बैठे, इतना दूर था, बट हम लोग अगर गाड़ी वाड़ी से आते तो फिर ट्रैफिक में फंस जाते, इस वजह से मैं स्कूटी से आई। ये बच्चा हमें ही बुलाने आया है क्या? किसके दोस्तों? मिट्टी के, हाँ मिट्टी के दोस्त हूँ मैं, जब वहाँ है उनका घर। अच्छा तो गाइज मैं वहाँ जाती हूँ फिर आपसे। मिट्टी मिल गई, तो बच्चा इतने प्यार से कह रहा था मिट्टी ना घर, क्या मैंने इन्हें फोन करा तो कह रही सामने देख, मैंने कहा नहीं दिख रही, तो कह रही इतनी बड़ी ड्रेस में मैं तुझे दिख नहीं रही। और गाइस मैं अकेले आई हूँ, दीदी का डॉगी स्कूबी नाम है इसका, स्कूबी आ जाओ, हेलो। मैं डॉगी से बहुत डरती हूँ इसलिए मैंने आते ही इसे यहाँ बंधवा दिया। स्कूबी बेबी आपको किसने बांधा? हाँ मिट्टू ने बांधा, मिट्टू को मारना, आपके स्कूबी नेल्स कितने बड़े हैं ना, ए स्कूबी। गाइस देखो जब मैं इसकी तरह आवाज निकालती हूँ तो मुझे देखती है, ए देखो दो गिलास पानी क्यों लाई हो? पुनीत का है, मैं अकेली आई हूँ वॉशरूम, एक गिलास ही चाहिए, एक गिलास स्कूबी को दे दो। दीदी दो ग्लास पानी क्यों लिया, एक तो मैंने पी लिया, अब तो सुबह से देख रहा हूं, ये भी मैं ही पी रही हूं। दीदी दो ग्लास पानी क्यों लाए हो? मेरे लिए लाया ना। कौन? मैं अकेली आई हूं गाइस दीदी के घर पे, देखो और वो स्कूटी वहां बंधी हुई है पूरी, और मैं आई हूं बस फाइनली। गाइस तो मैं फाइनली इतनी दूर से स्कूटी चला के, मतलब इतनी दूर से मैं आई हूँ मिट्टू दीदी के घर, और हम दो जने आए हैं मिट्टू दीदी के पास, मैं आई हूं इतना मिलने, और अब हम बहुत एंजॉय करेंगे। मुझे मुझे पता है क्या कर रही होगी, इग्नोर प्रैंक कर रही होगी गुन्नू पुन्नू, अब बहुत अच्छी लग रही है हम दोनों साथ में, अभी सारा निकाल दूंगा इग्नोर प्रैंक। आ भाई ये ओ हम दोनों ब्लू ब्लू यार, गुन्नू ब्लू ब्लू देखते हैं इसकी क्लैरिटी कितनी अच्छी है मेरे फोन का, मुझे लग रहा है जब से ये कौन कर रहा है क्या, जतिन मत करना, क्या कर रहा है मिट्टू दीदी ने मेरे को पानी दिया अभी, और मिट्टू दीदी और मैं साथ बैठे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है क्या, पता नहीं यार क्या। गाइस वैसे तो मुझे डॉगी से बहुत डर लगता है क्योंकि दो बार मुझे काट रखा है, पर ये मिट्टू दीदी कह रही है ये बहुत शांत स्वभाव की है, ये कुछ नहीं बोलती, तो इसलिए मैं इसके पास आ गई हूँ। स्कूबी मुझे क्लिक, पता नहीं कौन है गाइस, इग्नोर गाइस, ये मिट्टू दीदी, हम लोगों ने डार्क फैंटेसी लिया है यहाँ पे, और बहुत मजा आ रहा है, हमारी चाउमीन बन रही है यहाँ पे, पता नहीं यार गाइस क्या, पता नहीं कौन है गाइस, इरिटेट कर रहा है मुझे। बाकी हमारा भुट्टा भी रेडी हो रहा है अभी, और फिर हम भुट्टा भी लेंगे गाइस, तो फिर अभी चलते हैं। हाँ भुट्टा भी, चलो चलो भुट्टा लेने चलो, चलो चलो चलो। दीदी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कौन है ये, हाँ पागल मारो मारो चप्पल उतार के, हेल्प प्लीज।
गाइस तो ये रहा भुट्टा, यहाँ से मिट्टू दीदी को खाना है। भुट्टा खाएंगे और फिर घर जाके मिट्टू दीदी और मैं ये मोमोज खाएंगे, और मिट्टू दीदी की मम्मी और मिट्टू दीदी का भाई भी खाएगा। मोमोज लेके आए थे जो मिट्टू दीदी और मैं जाके, तो अपने घुटने नीचे करो जरा। तो गाइस मिट्टू दीदी और मैं मोमोज लेके आए थे, सीरियसली वो मोमोज बहुत अच्छे थे, और मोमोज से ज़्यादा तो उनकी अच्छी चटनी थी गाइस। और हमें पहले ही खा था और हमें मोमोज खा के बहुत मज़ा आया गाइस। और हम मोमोज क्यों लाए थे, हमने इतने सारे मोमोज क्यों खाए, वो आपको पता लग जाएगा। बट ना मैं डिस्क्रिप्शन में किसी के भी चैनल का लिंक लगा दूंगी जहाँ पे वो व्लॉग आएगा, तो आप लोग देख लेना। बाकी मिट्टू दीदी और मैंने मोमोज खाया, हमने बहुत इन्जॉय किया। अच्छे थे ना मोमोज? बहुत टेस्टी मोमोज थे गाइस, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर सभी मिट्टू दीदी बैठी है, मैं बैठी हूँ, और अब हम आपसे बात करते हैं गाइज यहाँ पे। और मैं एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाती हूँ बेटा, मुझे पता तुम ये सब प्रैंक कर रही है ना? कुछ नहीं कर रही, मैं मेरा फोन प्रैंक कर रही है ना? मिट्स नहीं, इग्नोरिंग प्लैंक प्लैंक। दीदी किसी ने मेरा फोन ले लिया, इग्नोर करने वाला प्रैंक। कौन कौन रहता है आपके घर में? मैं, मम्मी, भाई, पापा और मैं। कोई आया है क्या आपके घर पे आज? नहीं, इसको तो मैं भी नहीं जानती कौन है ये। नहीं, मेरे भाई है, पुनीत है, पुनीत पुनीत। अब ये करेगी मेरे से बात? गाइस किसी ने मेरा फोन ले लिया, मेरे से बात नहीं करेगी गाइस? हाँ गाइस, पता नहीं किसने मेरा फोन ले लिया था, मुझे तंग कर रहे हैं सब लोग। और इसी क्या के पीछे बात है। और गाइस ये देखो मिट्टू दीदी की फोटो, पर वो कुछ नहीं है, और ये तो नहीं मैं। और ये देखो नो, ये है मिट्टू दीदी की फैमिली पिक। और अगर इसमें आप देखना चाहोगे कि इसमें मिट्टू रानी कहाँ है, तो गाइस मिट्टू रानी सी गाइस क्यों ऐसी लग रही है भाई साहब, हम तो बहुत अच्छी आई। और ये दीदी की दादी, दादू, मम्मी, पापा, और ये बॉन बेटा, और ये ही मिट्टू दीदी के ऐसे लग रहे हैं भाई साहब बहुत। और बाकी यार बहुत मज़ा आ रहा है। ये भी स्कूबी, इस कमरे में स्कूबी भी है हमारे साथ, मेरे और मिट्टू दीदी के साथ यहाँ पे स्कूबी भी है गाइस। चलो गाइस वापस लेट जाते हैं, थोड़ी देर में खाना खाएंगे फिर निकलेंगे घर के। और ये सब्जी मिट्टू दीदी ने बनाई है, मिट्टू दीदी मेरे साथ खाना खा रही है, और मैंने बहुत कुछ खा लिया। तो मैंने कहा दीदी आप मेरे लिए कुछ, दीदी ऑर्डर कर रही थी दाल मखनी, बट मैंने कहा नहीं करो दीदी मेरा पेट भर गया अब तो मैं, बट ये खीरे मैंने अपने लिए कटवाए हैं, मैं ये खाऊंगी और दीदी ये खाएंगी अब, और फिर हम लोग खा रहे हैं बस दीदी और मैं, और हड्डी हम दे देंगे स्कूबी बेबी को। दीदी क्या हो रहा है, सब खाओ ना दीदी, लो दीदी खाओ। हाँ हो गया। और अब हम जाएंगे घर फटाफट से, नहीं गाइस मिट्टू दीदी की जॉइंट फैमिली है, सब नीचे एक एक फ्लोर पे रहते हैं, तो इसलिए दीदी खाना लेके आई है नीचे देने के लिए। और हम चलते हैं, बट मैं क्या करूँ यही खड़ी हूँ, अब मैं जा रही हूँ गाइस, बाय आंटी। वो आंटी हमें पूछ रहा है मिट्टू दीदी मैं जा रही हूँ, मैं स्कूटी चला के जा रही हूँ, आपको बता दूंगी घर पहुँच के, वरना फिर रास्ते में कॉल में तेरा स्कूटी चला रही होंगी ना। बाय गाइस, मैं जा रही हूँ फटाफट से घर, चल चुके हैं पर स्कूटी में पेट्रोल नहीं है, स्कूटी बंद हो जाएगी, इसलिए फटाफट से पहले पेट्रोल डलवाते हैं उसके बाद घर चलेंगे। आइसक्रीम यही है आमंड फ्लेवर की है गाइस, बहुत टेस्टी है आइसक्रीम है, मतलब वैसे तो मुझे कोई और पसंद थी, मैं कोन वगैरह खाती थी, बट अब एक दो दिन से ना मैं ये वाला टेस्ट कर रही हूँ, तो ये वाला आइसक्रीम काफ़ी बेटर, मतलब बेटर क्या है, बहुत टेस्टी है ये, बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अभी यही खा रही हूँ, और अब यही मेरी फेवरेट हो गई है। हाँ बट ये थोड़ी कॉस्टली है, बट इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, ये 90 rupees की है, पर ये बहुत अच्छी है यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए हम लोग आ चुके हैं घर, मैं आ गई घर, और यार बहुत थक गए, मेरी मम्मी से बोला पानी तीन क्यों लाई हो? एक तेरा, एक अंशु का, एक पुनीत का। पुनीत का है? अबे तेरे पुनीत का नहीं आ रहा क्या? कहाँ है? इधर दो दोनों। अबे वो पागल वागल है क्या? क्या क्यों उठा रहा है? दे इधर। क्या है? क्या हो गया? क्या चल रहा है तुम्हारा? क्या मेरे मेरे लिए लाई है मम्मी दोनों ग्लास? ये मेरा था। मम्मी तीन क्यों लाई हो जब दो बंदे बैठे हैं कमरे में? तो मुझे तीन नजर आ रहे हैं, तुझे नहीं नजर आ रहे, करके आ रही है तू सुबह से। हाँ तो भाई नया ड्रामा है, पीती रहे मजा आ रहा है। अरे कहाँ जा रहे बेटा, पी तो
चले। अरे पुनीत पुलू माय फ्रेंड, गुस्सा हो गया तू? अब तो ये मुझसे बोल ही नहीं रहा, सही में जा। अरे अरे पुनीत, अरे ओए कहाँ जा रहे पागल? हट जा यार। सॉरी मैं वीडियो बना रही थी, मैं व्लॉग बना रही थी ना यार, अपना गुस्सा क्यों हो रहा है? हाँ सो मैं तुझे बता देती हूँ, मैं देख मम्मी के गाइस बाबू देख लो, बाबू पुनीत मैं सुबह से तेरे साथ व्लॉग बना रही थी तुझे इग्नोर करने का, इग्नोर माय बेस्ट फ्रेंड फॉर अ डे। पुनीत अब ये कैसा लगा? वैसे तो समझ तो गया ही होगा मैं सुबह से तुझे इतना इग्नोर कर रही थी, कैसा लगा? अरे तू गुस्सा हो गया क्या? नहीं दे रही गाइस, मैंने इसकी स्कूटी की चाबी ले ली, फटाफट से खुद अंदर आ जाएगा मेरा। रो मत, आजा अपनी कोल्ड ड्रिंक पी ले। सो गाइस यहाँ पे मैंने अभी से बता दिया, वरना अभी जा घर ही चला जाता, फिर मैं अपना प्रैंक किसके साथ कंटिन्यू रखती, तो मैंने इसे बता दिया। पुनीत 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 अब बोल कैसा लगा ब्लॉग बता ना, चली जाऊंगी मैं मेरा कैसे। सो गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और विद नोना माय फैमिली। हेलो बच्चों, लव यू। मेरा व्लॉग आ गया मिनी व्लॉग, प्लीज आप लोग जाके इधर दिखाऊंगा, आप लोग जाके मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं 15 तारीख से फुल व्लॉग डालूंगी, बट रेसिपी का रेसिपी बता देना। यस माय गाइस, और अब इसी के साथ मैं यहाँ पे करती हूँ व्लॉग का एंड, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मतलब क्या क्या व्लॉग देखना चाहते, क्या क्या व्लॉग देखना चाहते हो कमेंट करके बताते रहना, और मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सो बाय गाइस, बाय बाय कर। गाइस कैसा लगा मुझे इसके साथ आप लोगों को ये व्लॉग देखे, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं इसे इसकी चाबी दे सकती हूँ, ये दे देती हूँ, घर चला जाएगा। ले ले अब जा निकल, अब वो जा रहा है।